हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी हो तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेज रीडिंग बुकिंग्स। ओके, एंड वैसे भी आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहां से भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, द सन, फोर ऑफ कप्स, डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स। All right. थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगी, देन आपको बताऊंगी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। All right, ठीक है, यहां से देख लेते हैं। प्लीज बताइएगा, स्ट्रेंथ, इंप्रेस, द इंप्रेस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, The High Priestess, Wow, the Star, Nine of Pentacles। आपके पर्सन देखिए आपको कितने हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। सारे के सारे कोर्ट कार्ड्स और मेजर अरकाना के कार्ड्स है। एनीवेज, मैं आपको बताना चाहूंगी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। पहली चीज तो चलो दिल से शुरू करेंगे। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं है। कुछ तो भी हुआ है, कुछ तो भी टावर मूवमेंट हुआ है, या आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही है, या आप लोग थोड़े से सेपरेट हुए हो, थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि इट्स वेरी सैड जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, जैसा भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, जो चीज़ नेगेटिव हुई है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन उस थॉट में ज़्यादा है, ना कि इस रिलेशनशिप में जो चीज़ बचा है उसको मेंटेन करने का ज़्यादा सोच रहे हैं। नहीं, जो चीज़ हो गया है उस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत सैड है, बहुत डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ समझा रही है, लेकिन यू आर नॉट इन सच अ सिचुएशन कि जहाँ पे आप उनकी सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, आपको अपनी बात कहनी है, आपको अपनी बात समझानी है, यू आर नॉट इन रिसीविंग मोड अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। उस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत सैड है और आपके पर्सन आपको बहुत स्टबर्न देख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, देखिए आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप आपको आपके हिसाब से चाहिए, आपके पर्सन के हिसाब से नहीं। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत स्टबर्न देख रहे हैं, जिद्दी देख रहे हैं कुछ मैटर में। दिल में तूफान है उनके, क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है। इस समय आपके पर्सन एक हैवी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं और उन्हें ये फील होता है कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, बहुत स्ट्रांग ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। बट आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रांग होप रखी है कि इस रिलेशनशिप में वापस से एक ब्यूटीफुल सन आएगा, इस रिलेशनशिप में वापस से सारी चीज़ें ठीक होंगी। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने अंदर बहुत स्ट्रांग भावना रखी हुई है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, चीज़ें सारी ठीक होंगी। इस समय आपके पर्सन बहुत वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है, उन्हें पता है ईश्वर उन्हें वेट करा रहे हैं, तो वो भरपूर वेट कर रहे हैं।
आपके पर्सन आपको ना सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफर करना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म का आपके पर्सन आपके लिए नहीं सोच रहे, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ भी सुखी हो और आपके पर्सन की लाइफ भी सुखी हो। जो ये इतने भूचाल आ रहे हैं या फिर जो चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं आप नहीं समझ रहे हो सकता है कि आपके पर्सन में कुछ कमियाँ रही हो पास्ट में, कि अब आप एक एक्सेप्टेंस वाली मूड में नहीं हो, अब आप यू नो लिसनिंग वाली मूड में नहीं हो, हो सकता है, डेफिनेट सी बात है, इसलिए वो आपको ऑफर करने का सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ऑफर करने से आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपने उन्हें हमेशा सब कुछ दिया 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 होगा, बट दैट इज रॉन्ग, है ना। एनर्जीज बैलेंस होने चाहिए, किसी के साथ भी एनर्जीज बैलेंस होने चाहिए, और आपके पर्सन के केस में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑलवेज इन ए गिविंग मोड एंड आपके पर्सन सिर्फ रिसीविंग मोड में थे, तो शायद भगवान ये चाहते कि आप वो गिविंग मोड में आ जाए ताकि आप दोनों की एनर्जी बैलेंस रहे, इसलिए वो भी सोच रहे कि हमने कुछ आपको ऑफर करना है, बिकॉज यू आर लाइक ए ट्रू सनशाइन। उनकी लाइफ में खुशियाँ कहीं से भी देख लो, कैसे भी देख लो, सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई हैं। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। यू आर एक्चुअली लाइक ए ट्रू सनशाइन फॉर योर पर्सन। बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और आज तो देख ही रहे हैं। दिल में तो भूचाल, अब दिमाग में देख लेते। दिमाग में तो डेक के सारे बेस्टेस्ट कार्ड आए हैं। यू आर लाइक ए ट्रू हीलर फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन जब भी जिस भी तरह के दर्द में थे, जिस भी तरह के पेन में थी, कुछ भी थी उन्हें परेशानी, आप उनके साथ अकेले खड़े थे और आपने उनका साथ हमेशा दिया है। यू आर लाइक अ ट्रू हीलर फॉर योर पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर लाइफ। आपने उन्हें बहुत संभाला है, आपने एज ए मदर की तरह संभाला है, एज ए फ्रेंड की तरह संभाला है, एज ए डिवाइन की तरह संभाला है। यू आर लाइक ए ट्रू बैकबोन फॉर योर पर्सन, यू आर लाइक ए ट्रू यू नो एक्चुअल स्ट्रेंथ फॉर योर पर्सन। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो कह सकते हैं यू आर लाइक ए ट्रू रूट चक्रा फॉर योर पर्सन, जिन्हों मतलब पूरा बिल्कुल बेस बना के, बैलेंस बना के आपने इनकी लाइफ को संवारा है या फिर आपने इनकी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाया है, एंड योर पर्सन इज ट्रूली नोज अबाउट इट। आपके पर्सन आपको बहुत पावरफुल देखते हैं, बहुत नॉलेजेबल देखते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उन्हें लगता है आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम है, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, और कहीं ना कहीं पता है उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी हर किसी से बनती है। मतलब चाहे वो लियो होगा या फिर कोई वो टॉरस होगा या वर्गो होगा या कोई भी होगा, कोई बहुत हाई लेवल का पर्सन होगा या कोई बहुत यू नो लोअर लेवल के पर्सन होगा, आपकी सबसे बनती है। हर कोई आके आपके सामने अपना दुखड़ा रो देता है, आप सुन लेते हो, समझ लेते हो, समझा लेते हो, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं हीलिंग पावर दिख रही है, आप में हीलिंग पोटेंशियल दिख रही है, आप कहीं ना कहीं कॉस्मिक फोर्सेस से कनेक्टेड हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट हो, आपका एक नेचर है शेयर एंड केयर का, आप लोगों की हमेशा मदद करते हो, ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं। बहुत हाई रिगार्ड्स में आपके पर्सन आपको देखते हैं, ये चीज़ आप मान लीजिए। आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, ट्रू जेन्युइन लव करते हैं आपके पर्सन आपसे। किंग ऑफ कप्स बहुत हाई रिगार्ड्स का कार्ड है ये प्यार में। दिल खोल के प्यार करते हैं, भरपूर प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, और कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं है उसमें। अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे ये उनकी मर्जी है, बट वो करते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल भी समझते हैं आपको और बहुत इमोशनल भी समझते हैं। आपके पर्सन के लिए ना आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हो। आपने अपनी लाइफ के भले आपकी लाइफ में कितने भी तूफान हो बाहरी तौर पे, अंदर से आप बहुत बैलेंस हो आपके पर्सन को लगता है। और आपने अपनी लाइफ में जो भी आप मटेरियलिस्टिक जहाँ तक भी पहुँचे हो, जैसे भी पहुँच रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क से आपने अचीव किया है। उन्हें आप बहुत ग्राउंडेड लगते हो, कि आप बहुत ग्राउंडेड हो। ब्यूटीफुल कार्ड। उन्हें आप इंट्यूटिवली बहुत 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 स्ट्रॉन्ग लगते हो, कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें आप बहुत एक्सट्रीमली इमोशनल लगते हो, वो भी पॉजिटिव वे में, और इसका मतलब ये भी होता है कि आपने अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली बैलेंस करके रखा हुआ है। उन्हें लगता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी में या जो भी कुछ अचीव किया है, जो भी आपके पावर्स रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क से, आपके लेबर से आपने अचीव किया हुआ है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सही गलत की बहुत अच्छे से पहचान है, एंड आप काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में मिस्टीरियस भी हो। यू आर लाइक अ ट्रू जेन्युइन स्टार फॉर योर पर्सन। आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या आप कोई ऐसे ओहदे पे होंगे, ऐसे पोजिशन पे होंगे कि लोग आपकी बहुत तारीफ करते होंगे, आपकी यू नो पहुँच बहुत दूर दूर तक होगी। आपको क्या अट्रैक्टिव तो आप होगी, स्पिरिचुअली भी आप अपलिफ्टेड मुझे लग रहे हो, अट्रैक्टिव भी लग रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होते होंगे, तो ये आपके पर्सन देखते हैं। एंड आपने हमेशा देना सीखा है, देखिए दोनों हाथों से आपने हमेशा देना सीखा है, और आप दोनों हाथों से ही हमेशा देते हो,
तो ये चीज़ में आपके पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। देखिए, आपके पर्सन अगर आपसे बिहेव खराब कर रहे हैं या फिर जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो आपको किसी तरह का नीचा दिखाना चाहते हैं या वो आपको अच्छा नहीं मानते हैं। बहुत बार यू नो हीट अप मोमेंट जब हो जाता है ना, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो गुस्से में इंसान कुछ ना कुछ बोल देता है, तब ये हालत मुझे दिख रही है इनकी। अगर इनके अंदर से पूछो तो आपको बहुत यू नो सराखों पर रखते हैं ये। वो बोलते ना भगवान की तरह एकदम मानते हैं आपको, यू आर लाइक ए गॉडस और गॉडेसेस और गॉड या नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप वो पर्सन हो जो भी हाई रिगार्ड में आप अपने आप को मानना चाहो वो मान लो, इतने यू नो इतने ऊंचे ओहदे पे वो आपको देखते हैं। चाहे आप कुछ भी मान लो अपने आप को, ब्यूटी में मान लो, पैसों में मान लो, रिस्पेक्ट में मान लो, फ्रीडम में मान लो, अबंडेंस में मान लो, स्टेबिलिटी में मान लो, हर चीज़ में आपको बहुत ऊंचा देखते हैं, हर 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 चीज़ में। उनका लव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ओवरफ्लो होता है, लेकिन अगेन यही कार्ड है जो क्लियरली बताते हैं कहीं ना कहीं वो आपको स्टबन मानते हैं। कुछ चीज़ों में होंगे, देखो नेचर होता है अपना, आप होंगे कुछ चीज़ों में स्टबन, है ना। तो दिल और दिमाग में ये चल रहा है फ्रेंड्स आपके पार्टनर के, आपको लेके। ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होंगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें और आपको वहाँ से अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।